अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका लाइफ विद अनुषा इकरा में। कैसे आप लोग सब? और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, एहसान है उस मालिक का कि मैं भी अल्लाह पाक के शुक्र से ठीक हूँ, मज़े में हूँ, खुश हूँ और फिट फाट हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी हमेशा खुश व खुर्रम रखे, बुरी घड़ी बुरे लोगों की नज़र से महफूज रखे, और मेरी फैमिली को भी बुरे लोगों की नज़र से, बुरे लोगों के शर से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा अगर दुआ अच्छी लगी हो तो। मैं राज का सामान और अब मैं इसको ओपनिंग करती हूँ। मैं जब आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या लाए। सबसे पहले तो ये हमारे दो कपकेक, नाराज हो गई, इसको होने देते हैं। ये मम्मा का डिपार्टमेंट, सॉल्ट एंड बिस्किट जरूर खाया करें, ये बहुत मजे का होता है। ये एक रखी है, ये है, इस पर मैं बेटा वॉइस बंद कर दूंगी। क्यों क्यों क्यों? मेरी ये बलून है। हाँ ये एक रखे बलून, कल ऑरेंज डे मना रहा है इनके स्कूल में। ये क्या क्रेजी, और ये कौन सा बिस्किट है? ये देखो ये वही दबा की बॉम्बा। ये देखो ये चॉकलेट, ये दो ऑरेंज के बलून है, और ये पट्टी फ्राई, पट्टी फ्राई, पट्टी फ्राई। बस आ जाओ भाई, इसको जिसको जो लेनी है वो आके ले ले जल्दी से। ये देखो मेरा और मेरे हस्बैंड का क्या बचा ये बता दो। ये और ये और ये और ये, हाँ मेरी कितनी सारी। ये वाले बिस्किट मैं कब खाती हूँ? नहीं खाती ना। शाबाश है, चलो भाई ये हमारी है हम दोनों की, और बाकी इन्होंने अपनी अपनी ले ली। ये पिस्ता, तो ये है हमारी। और ये गिलास केक, ये गिलास केक। चलो भाई मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो है मैंने रात की चीज़ों के क्लिप से वीडियो स्टार्ट करी थी, और बस यानी कि वो क्लिप बना हुआ था तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप लोग मेरी लवली फैमिली हैं, और माशाल्लाह से आप लोगों के इतने कमेंट्स इंस्टा पे आते हैं, और इतने लोग मुझे पर्सनली भी कहते हैं कि वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, जिसके लिए मैं बहुत ही उन लोगों से माजरत करती हूँ। जो लोग मुझे देखना चाहते हैं यूट्यूब के चैनल पर, तो मैं उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। वरना टांग खींचने वाले तो बस ना चले उन लोगों का, कि वो टांग इतनी खींच रहे हैं कि उनका बस ना चले कि वो मुँह के बल ही गिरा दें। लेकिन इज़्ज़त देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, और अल्लाह पाक जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो शायद उन लोगों की तरबियत में टांग खींचना ही लिखा है, क्योंकि उनके माँ बाप ने शायद उनको यही सिखाया होगा कि टांग खींचो जितना हो सके दूसरों की, किसी को आगे नहीं बढ़ने दो। तो मैं उन लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे, नेक लोगों की सोबतें अता करे, क्योंकि हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज़ औक़ात रंग सोबतों के भी चढ़े होते हैं। और बहुत से लोग मेरे YouTube को लेके जो है ना बहुत इशू बनाते हैं कि YouTube पे वीडियो आएगी, YouTube पे वीडियो आएगी। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि बहुत YouTube हो चुका है, आइए अब YouTube खेलते हैं, ठीक है? अब आप भी मीडिया पे आइए अगर हिम्मत है, और मेरे साथ YouTube खेलें, बड़ा मज़ा आएगा, सच कह रही हूँ, और बड़े अच्छे व्यूज़ भी आएंगे इंशाल्लाह अज़वजल। मेरे आ रहे हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है। काफ़ी लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये कुछ क्लिप्स मेरे पास बने रखे हुए थे, जिसमें मैं मॉल गई थी अपने लवली हस्बैंड के साथ ग्रॉसरी की शॉपिंग करने, तो वहाँ के मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं, जो लाइक्स देते हैं, मुझे कॉमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे, उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई बुरी घड़ी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो लोग भी आमीन कह दीजिएगा, क्योंकि देखें अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि वक्त तो गुजर ही जाएगा और कुछ भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में सिवाय परेशानियों के। अगर क्योंकि इंसान का सुकून सिर्फ उसके ख़ुद के अपने दिल में है, अपने मन में है, लेकिन आजकल जो है ना लोगों ने अपने ऊपर हावी करा हुआ है कि बस YouTube पे अगर कोई है तो सिर्फ मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, यानी कि फुली YouTube जो है ना
यूज़ किया जा रहा है मुझे इस तरीके से, तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक आप लोगों को सिर्फ नेक हिदायत दे, अल्लाह पाक आप लोगों को नेक हिदायत दे, शायद आप लोगों की आगे की ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो मैंने भी अब जवाब इसी पे देना है यूट्यूब यूट्यूब पे, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा। आओ भाई आओ सामने आओ, अब जिसको भी यूट्यूब यूट्यूब खेलना है, बहुत हो गया। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मैं वीडियो बना रही थी, और वीडियो बनाते बनाते अजान होने लगी, तो मैंने खूबसूरत सी दुनिया की खूबसूरत आवाज़ को कैप्चर किया। और मैं यहाँ वॉइस ओवर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी आवाज़ से कई गुना यानी कि मैं बता नहीं सकती, लाख गुना बेहतर मैं अजान की आवाज़, वाकई में मेरे लिए बहुत ही एहतराम है, जिसमें अल्लाह पाक मुझसे कहता है कि आओ कामयाबी की तरफ आओ, मैं हूँ देने वाली ज़ात। तो मैं अपने रब पे वाकई में बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और यहाँ हम लोग आए हुए थे मरहबा मॉल, जो कि हमारे हैदराबाद में बना था, काफ़ी टाइम था हो गया, लेकिन मैंने जब भी के क्लिप्स कुछ बना के रखे हुए थे, न्यू क्लिप्स मैं नहीं बना रही कुछ लोगों की जलालत की वजह से, लेकिन आप लोग मुझे इतना फोर्स कर रहे हैं कि अब मुझे प्रॉपर तौर पर यूट्यूब पर आना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो मुझे देखना नहीं चाहते, जो मुझे देखना नहीं चाहते। अब मैं प्रॉपर यूट्यूब पे आऊँगी और उन सब के जवाब, उन सब की जलालत के जवाब यूट्यूब पे पेश करूँगी। तो क्योंकि मसला ये है ना कि उनको जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खामोश होकर बैठ जाओगे तो वो अपनी जलालत दिखाते रहेंगे, तो फिर ठीक है आ जाए भी हम भी यूट्यूब यूट्यूब खेलते हैं, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत लोग यूट्यूब यूट्यूब खेल रहे हैं, तो मैं भी खेलती हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है मुझे मेरा माइंड फ्रेश करने के लिए नर्सरी लेकर आए थे, क्योंकि मेरा पैशन है प्लांट्स लगाना, प्लांट्स को, तो मैंने छोटा सा यानी कि जो भी अपने रूफ पे बनाया हुआ है प्लांट्स लगाने का, वो मैं किसी दिन आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह उसकी। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, जब मुझे मेरा मूड ऑफ देखते हैं, तो वो मेरे हस्बैंड जो है लवली हस्बैंड मेरे, अल्लाह पाक उनको नजरबंद से महफूज रखे, तो वो मुझे नर्सरी ले आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यहीं आके जो है इसका मूड सही होगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मैं यहाँ आके बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, बहुत शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का कि उसने इतनी खूबसूरत नेमतें और रंगों से भरे ये फूल पौधे हमें दिए हैं। तो अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करना चाहिए कम है कि, और जो मेरी तरह मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखते होंगे, जो लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे, तो उनको तो पता ही होगा कि मेरे रब ने सूरह रहमान में, कुरान पाक की सूरत सूरह रहमान में फरमाया है कि और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो माशाल्लाह से वाकई में अल्लाह पाक की खूबसूरत नेमतें और ये रंग बिरंगे फूल वाकई में एक अच्छी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, जो जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जो जो परेशानी में अपने घर से परेशान हैं, अपने माली वसाइल से, तो बाहर निकलें, आउटिंग करें, अच्छे अच्छे लोगों से मिलें, क्योंकि परेशानी तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाती है। और जो लोग जानबूझ के परेशान करते हैं, तो उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, उनको तो फिर अल्लाह पाक जो है, ऐसे लोगों की ना दुनिया में सुकून मिलता है और ना ही उनको आखरत में कोई अच्छाई नसीब होती है। तो बस यहाँ अल्लाह पाक की कुदरत देखेंगे, यहाँ टमाटर इतने सारे लगे हुए थे, और यहाँ मैं बस सुभान अल्लाह कह रही थी कि माशाल्लाह से इतना ही खूबसूरत लग रहा था, ये चारों तरफ टमाटर लगे हुए, और आप लोगों को भी मैं इसका विज़िट करा रही थी। और आई होप आप लोग आज की मेरी वीडियो से ज़रूर इंजॉय हुआ करा होगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो वाकई में अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। और जो लोग टांग खींचने में लगे हुए हैं, तो उनको मैं यही कहूँगी कि यार टांग खींचो तो जोर, ज़रा ताकत लगा के तो खींचो, क्योंकि आप लोगों के पास ताकत नहीं है टांग खींचने के लिए, खींच तो रहे हो लेकिन हिम्मत चाहिए टांग खींचने के लिए, खींचो खींचो, कीप इट अप, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात मेरे सिर्फ रब की है, जो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो फ़िलहाल मेरा तो माइंड यहाँ पे आके काफ़ी फ्रेश हो चुका था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं जब ये क्लिप बना रही थी, तो मैं अभी भी ये वीडियो देख रही हूँ, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है ये वीडियो देखते हुए, और मुझ में काफ़ी एनर्जी भी आ रही है ये वीडियो देखते हुए।
तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।